क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग क्रिस्त के शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं। आज के प्रवेश भजन में सुनते हैं, प्रभु ने उन्हें उत्तम गेहूं खिलाया और चट्टान की मधु से तृप्त किया। जब कोई व्यक्ति डेथ बेड में रहता है या बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा होता है, हो सकता है कैंसर, और उसे यह लगता है कि धीरे धीरे वो मरने वाला है, तो उनका व्यवहार बदल जाता है। वो अपना बेस्ट देने लगता है, हर किसी को माफ करता है, हर किसी से अच्छी तरह से बातें करता है, और लोग भी जो उनको चाहने वाले हैं, उनके घर वाले हैं, उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, बार बार उनसे मिलने आते हैं। और हम सब जानते हैं ऐसे लोगों के आखिरी दिन और उनके आखिरी शब्द, आखिरी कार्य हम लोगों को बहुत दिनों तक याद रहता है। कुछ इसी प्रकार प्रभु यीशु ख्रीस्त अपना अंतिम भोजन के दिन अपने शिष्यों के साथ एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे अपना बेस्ट हम लोगों को दे देते हैं। उस अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु ख्रीस्त अपना ही शरीर और अपना रक्त हम लोगों को एक संस्कार के रूप में दे देते हैं। पवित्र यूकारिस्ट न केवल एक बलिदान है बल्कि एक संस्कार भी है। आज का यह पर्व ईश्वर के असीम प्रेम का एक स्मृति है कि प्रभु हम लोगों से बेहद प्यार करते हैं। बलिदान और यूकारिस्ट के संस्कार में उनकी उपस्थिति एक सबूत है। प्यारे भाइयों और बहनों, मशहूर कलाकार लियोनार्डो दी विंची एक बार बहुत ही सुंदर सा लास्ट सफर का पेंटिंग करते हैं। उस पेंटिंग को पेंटिंग करने के बाद अपने एक करीबी दोस्त को उस पेंटिंग को दिखाते हैं। दोस्त उस पेंटिंग को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस पेंटिंग में जो गोल्डन चालीस थी वो बहुत चमक रही थी और बहुत ही अच्छे से उसका पेंटिंग हुआ था। उसे देखकर दोस्त लियोनार्डो से कहते हैं, दिस गोल्डन चालीस लुक्स फैंटास्टिक। यह सुनकर लियोनार्डो को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, वे नाराज हो जाते हैं और तुरंत पेंटिंग का ब्रश लेकर उस गोल्डन चालीस को डिसफिगर कर देते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं, द अटेंशन मस्ट गो टू जीसस, नथिंग एंड नो वन शुड स्टील जीसस ऑफ हिज राइटफुल प्लेस। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त बहुत ही महत्व रखते हैं, विशेष करके हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। मिस्सा बलिदान यीशु के पास्का बोझ का स्मरणोत्सव है। जब हम परम प्रसाद का महत्व समझेंगे कि परम प्रसाद हम लोगों के लिए क्या है, तो तब हम लोगों का विश्वास बढ़ेगा, प्रभु के प्रति अपना प्रेम बढ़ेगा। आज के पहले पाठ में हम लोग रक्त बलि के संबंध के बारे में सुनते हैं। वो रक्त बलि जो प्रभु यीशु से जुड़ जाता है, जब प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमारे पापों के लिए सूली पर अपना रक्त बहाया था। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं, मूसा नबी वध किए गए बछड़े का रक्त लेकर इसराइलों पर छिड़क देते हैं और वे विधान की घोषणा करते हुए कहते हैं, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 8। और नए व्यवस्थान में यीशु स्वयं को बलि का मेमना बनकर समस्त मानव जाति के मुक्ति के लिए अपना प्राण त्याग देते हैं। और इस रहस्यमय घटना को हम लोग हर एक पवित्र मिस्सा बलिदान में याद करते हैं।
पवित्र यूकरिस्ट में जो रोटी जो दाकरस हम लोग ग्रहण करते हैं वो प्रभु यीशु क्रिस्त का रक्त और शरीर है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त हम लोगों से यह कहने के लिए कहते हैं कि जब भी हम लोग पवित्र यूकरिस्त का समारोह मनाते हैं हम लोग यह कहते हैं तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र यूकरिस्त हम लोगों के लिए प्रभु यीशु से एक तोहफा है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स फ्रॉम जीसस। प्यारे भाइयों तथा बहनों, यीशु ने अपने मिशन कार्य के शुरुआत से ही पवित्र यूकरिस्त को महत्व देने के लिए अपने कार्य में उसे जोड़े रखा है। इसके बारे में मैंने एक बार एक चर्च के एंट्रेंस का वो दरवाजा है उस पर चार पार्ट किए हुए एक पिक्चर को देखा था। एंट्रेंस के डोर पे उस डोर पे चार भाग किए हुए थे और उन पे चार प्रभु यीशु क्रिस्त के महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित किया था। पहला भाग में छह मटके वो दर्शाता था कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने काना नगर में विवाह मंडप में जो पानी को अंगूरी में बदल दिया था उसका दृश्य वहां पर चित्रित किया था। दूसरे पार्ट में एमाउस का वो महत्वपूर्ण घटना, प्रभु यीशु क्रिस्त 5,000 लोगों को खाना खिलाते हैं, उस चित्र में 5 रोटियां और 2 मछलियां चित्रित की गई। और तीसरे भाग में एक टेबल के आसपास 13 लोगों को चित्रित किया गया था जो प्रभु यीशु क्रिस्त अपना अंतिम भोजन कर रहे थे। और फोर्थ भाग में आखिरी भाग में 3 लोग एक टेबल के साथ पास में बैठकर भोजन कर रहे थे। एमाउस का वो एपिसोड था। प्यारे भाइयों और बहनों, ये चारों घटनाएं प्रभु यीशु क्रिस्त का मिस्सा बलिदान को चित्रित करता है, केंद्रित करता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने काना नगर में विवाह मंडप में जो पानी को अंगूरी में बदल दिया था अपने अंतिम भोजन में अंगूरी को वे अपना रक्त में बदल देते हैं। और जो कफरनहूम में प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो 5 रोटियों को तोड़कर बहुत सारे लोगों को 5,000 लोगों को खाना खिलाया था वो उसकी ओर प्रतीक करता है। जो प्रभु यीशु क्रिस्त संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 में हम लोगों को बताते हैं, ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स में वहां पर प्रभु यीशु हम लोगों से कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। और उसके बाद जो प्रभु यीशु क्रिस्त अंतिम भोजन के समय रोटी तोड़कर दाकरस के साथ जो हम लोगों को एक नया संस्कार देते हैं वो है पवित्र यूकरिस्त। और एमाउस के रास्ते में प्रभु यीशु क्रिस्त अपने 2 शिष्यों के साथ उनके घर में पहली बार मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, होली यूकरिस्त प्रभु का प्यार का निशानी है। प्रभु ने हम लोगों से बेहद प्यार किया है, इसलिए वे हमेशा हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ सालों पहले नॉर्थ आयरलैंड के समुद्र के करीब 4 साल पुराना एक स्पेन का जहाज डूब गया था। उसके कोच में कुछ टुकड़े मिले थे और उन टुकड़ों में से एक छोटा सा अंगूठी मिली थी। वो अंगूठी मैरिज की अंगूठी थी, रिंग था। और उस रिंग में एक चित्र था, वो था दिल का चित्र। और उस दिल के ऊपर एक आदमी का हाथ रखा हुआ था और उस हाथ के ऊपर एक सेंटेंस लिखा गया था। वो सब कुछ बयां कर रहा था। वो सेंटेंस यह था, आई हैव नथिंग मोर टू गिव यू, आई हैव नथिंग मोर टू गिव यू। होता प्यार का संकेत। ठीक उसी प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र यूकरिस्त के जरिए प्रभु यीशु क्रिस्त हम लोगों से कहते हैं आई हैव नथिंग मोर टू गिव यू। प्रभु यीशु ने हमें सब कुछ दिया है, अपना शरीर अपना रक्त हम लोगों को पवित्र संस्कार के जरिए दिया है। सवाल यह है कि हम प्रभु के लिए क्या दे रहे हैं, हम पवित्र मिस्सा बलिदान में किस प्रकार भाग ले रहे हैं,
हम पवित्र यूकरिस्त में कितना आस्था रखते हैं, क्या हम लोगों के लिए पवित्र यूकरिस्त एक ऐसा ही एक ट्रेडिशन हो गया है, एक ऐसा ही हम लोग आते जाते रहते हैं मिसा बलिदान में, उसमें हमें कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा है। पाप में जिंदगी में रहकर हम लोग पवित्र यूकरिस्त को ग्रहण करेंगे तो जरूर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, परंतु जब हम पवित्रता के साथ प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे जरूर हमारे आध्यात्मिक जीवन में बदलाव आएगा। तो आइए आज के इस पर्व के दिन, क्रिस्त के शरीर और रक्त का पर्व के दिन, हम प्रभु के और नजदीक आने की कोशिश करें, मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए पूरी कोशिश करें। आमीन।